Yes, Prabhu. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विदान स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वत देव गौर वर्षाने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चिद स्थाने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वित गदाधारा श्री वशादी गौर भक्ति विधि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे <coughs> यहाँ पर उपस्थित इस जापाश्स में उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम लास्ट जापा टॉक में मैंने ग्लोरीज ऑफ ऑफ कृष्णा के बारे में बताया था उसमें मैंने श्रीवास ठाकुर की कुछ आ, पास्ट टाइम मैंने शेयर किया था जो चित्र प्रभु के साथ था उसके बाद एक मैंने स्त्री की कहानी बताई थी जो भगवान की कृपा से अपने नास्तिक बॉस के बॉस के हाथ से उन्होंने प्रसाद पाया था ना चाहते हुए भी उसके बाद अर्जुन की मैंने कुछ चरित्र बताए थे अब उसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ इसके आगे आ, मैंने श्रीधर के भी कहानी सुनाया था मैंने जो इतने महान वैष्णव थे कि उनका इनकम आय सिर्फ नाम मात्र का था लेकिन फिर भी वो अपने इनकम का 50 परसेंट गंगा सेवा में देते थे और बाकी अपने सेवा में लेते थे और इसी चीज को मैं बढ़ाते हुए आगे चित्तन महाप्रभु के ही जीवनी में एक महाप्रकाश लीला आती है जिसमें महाप्रभु सभी भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं तो वो करते हैं चल रहा होता है लीला तो उसमें उनको मजा नहीं आता जैसे होता है कि अगर किसी पार्टी हो या किसी टीम में हो अगर हमारा फेवरेट प्लेयर ना हो फेवरेट पर्सन ना हो तो अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे लीला करते तो बोलते नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो कहाँ है तो सब भक्त तो वो जो वहां उपस्थित थे बोले कौन कौन कहाँ है बोला कोलाधर कहाँ है बोला ये कौन है तो सब अचंभित हो गए कि सारे बड़े बड़े भक्त तो यहाँ है अभी खोज रहे बोला वो कौन है बोला नहीं नहीं वो वो जो था ना जो बचपन में मेरे साथ ये बोला नहीं, नहीं नहीं तुम लोग नहीं जानते उसमें एक काम करो बोला प्रभु कहाँ है बताइए मैं खोज के ले आगे हम लोग सब बोला ठीक है यहाँ से उस गाँव में जाओ और उस गाँव में जहां से आवाज आ रहा होगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जिस कुटिया से तेज तेज आवाज आ रही होगी वो बंदा होगा श्रीधर को, कोलावेच आप उसको लेके आ जाओ अब सब गए खोजते खोजते गए एक कुटिया मिली जहाँ से ये तेज आवाज महामंत्र की आ रही थी तो उन्होंने बोला कि आपको महाप्रभु ने याद किया तो कोलावेच बोलते हैं नहीं 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 मैं तो बहुत तुच्छ सा भक्त हूँ मुझे मुझे महाप्रभु कैसे याद करेंगे बोला नहीं नहीं, नहीं नहीं आपको सही में महाप्रभु याद करे चलिए तो नहीं मानते हुए महाप्रभु याद गए तो आँख, प्रभु सही में याद किए तो उनको देख के बहुत, गले मिले, उनको बहुत मतलब याद किया उनको गले से मिले फिर उसके बाद उनको बोले श्रीधर कोलावेज को महाप्रभु ने कि आपकी इच्छा बताइए बोला प्रभु मैं तो छोटा सा भक्त मुझे क्या है होगा बस सारे नाम करना इतने ही है बोला नहीं 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 एक मनुष्य इस पृथ्वी पर है तो कोई कामना होती है कोई इच्छा होती है आपकी भी होगी आप बताओ बोला नहीं नहीं मेरा कुछ भी नहीं है बोला नहीं नहीं बोलो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे नाम लिख दू ऐसा बोलते हैं महाप्रभु बोला नहीं 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 नहीं, 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 नहीं प्रभु ऐसा नहीं बोला बोलो तो बारह स्त्रियों के साथ तुम्हारी शादी करा दू बोला नहीं नहीं ये भी भी कोई इच्छा नहीं है बोला जो भी खजाना चाहो वो आपको हम दिला सकते हैं वो कान में ऐसे उंगली रख देते हैं श्रीधर कोला बेच बोला क्या प्रभु क्या आप माया में मेरे को डाल रहे हो अगर हम मर जाएंगे तो क्या रहेगा क्या जाएगा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा ना गाड़ी जाएगा ना बैल, बैंक बैलेंस जाएगा कुछ भी नहीं जाएगा अभी हमने कोरोना में भी फीलिंग किया कुछ भी नहीं साथ देता था आदमी का करोड़ करोड़ रुपया है लेकिन पाँच सिलेंडर के लिए आदमी मरे जा रहे थे तो ऐसा बोला बोला प्रभु मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए मैं एक छोटा सा भक्त हूँ बस मुझे अपने अपना नाम की भक्ति करने दो बोला नहीं 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 मैं सबका यहाँ पर इच्छा पूर्ति कर रहा हूँ मुझे आपकी इच्छा पूर्ति करनी है आप बताओ मुझे तो बोला ठीक है प्रभु आप इतनी जित करे तो मैं आपको डिनाई नहीं करूंगा आपको मैं निराश नहीं करूंगा आप एक काम करो मुझे सिर्फ वही सेवा दो जब आप छोटी नई बनकर मेरे दुकान में आते थे केले के लिए बार्गेनिंग करते थे मुझे वही सेवा चाहिए अब वहां जितने सारे भक्त सबके आंख से सब आंसू आने लगे बोले महाप्रभु खड़ा होके बोल रहे आपको जो इच्छा है चाहिए लेकिन एक भक्त का भाव देखिए वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा मांग रहे हैं वो भी ऐसी सेवा जिसे उन्होंने ऐसा ना कोई ऐश्वर्य मांगा ना धन मांगा ना कुछ नहीं मांगा सिर्फ उनका संग पाने के लिए क्योंकि भगवान के एक क्षण के संग के लिए आदमी पता नहीं ऋषि मुनि कितने कितने वर्षों कितने हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं यहाँ पर ही अः चेतन महाप्रभु उनके साथ दो दो घंटा चार चार घंटा बार्गेनिंग करते थे उनका उनका संग लेते थे इसके आगे प्रभु वो कोला सिदर बोलते हैं कि प्रभु मैं, मैं बहुत खुश हूं जिस तरह एक चिड़िया एक पेड़ पर रहकर अपना अपना प्र, प्रजनन के द्वारा अपना परिवार बढ़ाती है और अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती है ठीक वैसे ही एक राजा जो अपने महल में रानी के साथ रहते हैं उन दोनों की खुशी में कोई अंतर नहीं है ठीक उसी तरह मैं चिड़िया जैसा ही हूँ मैं अपने छोटी चो, सी दुनिया में ही बहुत खुश हूँ तो ये सुन, सुनकर चेतन महापुर बहुत खुश होते हैं बोलता श्रीधर तुम पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं हो मैं तो तुमको दिमाग से भी निर्धन ही समझता था लेकिन तुम्हारी ये जो मैं जो मैं विचार सुना हूं इससे सुनके लगता कि नहीं, सही में बहुत और बहुत ज्ञानी होते हैं इससे यही लगता है मेरे को तो इसी लेक्चर में आगे तमाल कृष्ण प्रभु बोलते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको मानव जीवन मिला और ऊपर से भारत में मिला भारत में मिलने के बाद उसमें भी हमको भक्ति मिली है वो भी कृष्ण भक्ति मिली है बहुत सर्वोच्च है बहुत सर्वश्रेष्ठ है और उसके आगे बोलते हैं कि सेवा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है सेवा भगवान की सेवा ठाकुर जी की गुरु गुरु की सेवा करने मिलती है वो बहुत सौभाग्यशाली है हमें बोला जाता है सेवा में भाग लो हम सेवा से ही भाग लेते हैं सेवा करते ही नहीं है जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य जीवन भी हो के हम नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद आगे ये प्रभु जी एक बहुत अच्छा कहानी सुनाते हैं भक्ति की कि हम किस तरह की भक्ति करते हैं जो कि हमारे बस की है नहीं फिर भी हम कैसे करते हैं वो हैं वो बताते तो एक गुरु और शिष्य थे वो अपने कुटिया में थे तो बारिश हो रही थी तो गुरु जी बोले आप जाइए बाहर गौ माता बंदिए उसको तो खोल दीजिएगा और शेल्टर ले लीजिए अंदर कहीं तो बोला प्रभु हम तो बद आत्मा है अब गौ माता खोलने के लिए तो कोई मुक्त आत्मा ही चाहिए मैं तो हूं नहीं आप हो तो आप जाके खोल दो गुरु जी समझ गए ये चेला नहीं मिला मुझे गुरु मिला है वो मजबूरी बस गए सीधे साधे थे वो जाके खोल दिए गौ माता शेल्टर ले ली फिर थोड़ी देर बाद हुआ तो गुरु जी थोड़ा सा छटपटाने लगे कि पानी कंटिन्यू हो रहा है क्या नहीं पता नहीं बोला जाइए आप थोड़ा देख के आ पानी बाहर हो रहा है क्या अपने अपने शिष्य को बोले तो शिष्य बोले शिष्य बोले कि ये बिल्ली आई है अभी इसके सर पे हाथ फेर लीजिए अगर पानी होगा तो गीला होगा अगर सूखा होगा तो पानी बंद हो गई बोला ये नहीं मानेंगे ये बहुत बड़े गुरु मिले हैं मेरे को मेरे शिष्य नहीं है बहुत बड़ा गुरु है मेरा ऐसे करके रात्रि हो गई रात्रि हो गई तो अब शयन का टाइम हो गया तो बोला एक काम करते हैं गुरुजी अपने चेले को बोले शिष्य को बोले कि अब हम लोग सोते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सारे काम करने हैं तो आप दीपक बुझा दो बोला क्या प्रभु आप भी वो भी नहीं मालूम है रामायण में लिखा है आग बंद करो सारा दुनिया दे रहा आप भी आग बंद करो सो जाइए बोला हाँ सही बात है गुरु तो तुम ही हो मैं तो चेला ठहरा लग रहा उसकी बात सुन के वो सो गए अब सुबह हुई सुबह एक व्यापारी आए बहुत सारा मिठाई लेके आए अब गुरु तो गुरु ठहरे उन्होंने फटाफट उनको ठाकुर जी को भोगुक लगाया वो सीज की उतनी बातों को ध्यान नहीं देते हैं वो ध्यान नहीं दिए वो सब चल दिए फिर जैसे ही अब उनको याद है बोले अरे मिठाई तो मेरे को अपने शिष्य को भी लेना है तो उनका नाम लेके बुलाए तो वो दौड़ते हुए शिष्य आया बोला लो ये मिठाई खा बोला हाँ 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 आपका मैं ऑलरेडी तीन आज्ञा इसी उल्लंघन कर चुका हूँ अब मैं नहीं करूंगा चौथा तो वो फट से मिठाई ले मिठाई ले, ले लेते हैं तो कहने का मतलब है हम भी ऐसी कंडीशनल भक्ति करते हैं अगर सब कुछ हमारे मन के हिसाब से चल रहा है तो वेरी गुड अगर नहीं चल रहा है तो हम सीधा मना कर देते हैं तो ऐसे कंडीशनल भक्ति हमको नहीं करना है तो जो अनकंडीशनल भक्ति करते हैं भगवान को भगवान उनको अंतिम समय में भी याद करते हैं तो इस पे एक कहानी है कोलकाता की कहानी है एक वहां के प्रेसिडेंट को फोन आता है कि एक माता जी का अंतिम समय है आप एक कोई भी डीटी या कैलेंडर या फोटो कुछ भी लेके आ जाइए तो वो प्रभु जी को सडनली फोन आता है वो फटाफट गए राधा गोविंद का कैलेंडर खोजने लगे तो उस समय ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि स्टॉक में एक भी आ, नहीं था आ, कुछ भी नहीं बचा था तो फिर उन्होंने क्या किया अपने अल्टर से राधा श्याम जी का राधा श्याम सुंदर का विग्रह उठाए और ले जाके माता जी को दिखाए माता जी ने उनको देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया तो अब दूसरे दिन हुआ वो प्रभु जी जो मंदिर के प्रेसिडेंट थे वो उन्होंने पूछा ये कौन थी लेडी ये आपने ऐसे सडनली लास्ट टाइम पे कैसे बोला आप नहीं जानते बोला नहीं हम तो नहीं जानते इनके बारे में तो की राजघराइन की थी वृंदावन अच्छा। तो का जो, जो टेम्पल है उसमें जो डीटी दी थी इन्होंने राधा श्याम सुंदर की ये इन्होंने ही दिया था अब वो प्रभु जी शौक हो गए बोला अच्छा इसीलिए मुझे राधा गोविंद की एक भी डीटी कैलेंडर फोटो कुछ नहीं मिली मिली तो क्या मिली राधा श्याम सुंदर का जो मेरे अल्टर में रखा हुआ था वो मिली कहने का मतलब है अगर आप अनकंडीशनल भगवान से लव करते हैं तो लास्ट टाइम में भगवान आपको याद दिलाने के लिए खुद ही आते हैं खुद ही प्रकट होते हैं कहने का मतलब ये है और इस लाइन के साथ मैं अपना जापा टॉक समाप्त करना चाहूंगा इस दास के दास से अगर कोई जीवा कुछ ऊंची नीची हुई तो उससे क्षमा प्रार्थी और आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि अपनी कृपा दृष्टि और दृष्टि बनाए रखे ताकि मैं भी कुछ 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 भक्ति कर सकूं आप सभी को हरे कृष्णा धनु